एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके वूल स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई सिंगल धागे में पारस मनी वाली ऊन लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे साथ न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। उसके बाद ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो से आपको जो भी कलर पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। और बहनों, प्लीज़ फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल मत कीजिए, ओनली व्हाट्सअप कीजिए। पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, पेटीएम, जो भी सुविधा आपके पास है सब तरह से पेमेंट हो जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मेरे पास नहीं है। प्राइस आज की जो ऊन का है वो है 1100 रुपये की 1 kg। 100 ग्राम की एक बोल है, एक बोल का जो रेट है वो है 110 रुपये। देखिए, आप मेरी तरफ से तो कलर मिक्स करके जैसे चाहो वैसे ले लो। जैसे एक बॉल है 100 ग्राम की और आप 1 किलो ऊन लेना चाहते हो, 10 कलर आप मिक्स करके ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से पूरी मात्रा में ऊन एक बार में ही ले। दोबारा ऊन लेने पर कभी कभी कलर में अंतर आ जाता है और कभी कभी सेम कलर पीछे से आता ही नहीं है। तो एक बार में ही पूरी ऊन ले ताकि बीच में ऊन कम ना पड़े। अगर आप मेरे से 1 kg या 1 kg से, यानी 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा ऊन लेते हो तो फ्री शिपिंग है। भारत के किसी भी कोने में रहते हो, फ्री शिपिंग में पार्सल आपके घर पर आएगा। और अगर आपको 1 किलो से कम ऊन लेनी है तो आपका जो है 50 रुपये शिपिंग चार्ज लगेगा। 500 ग्राम से कम का ऑर्डर नहीं होता है। कम से कम आपको 500 ग्राम ऊन लेनी होगी। कलर मिक्स करके ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिपिंग चार्ज हो गया है, प्राइज हो गया है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, पूरे भारत में आप कहीं से भी ऑर्डर कीजिए, एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, पार्सल आपके घर पे आ जाएगा। तो चलिए, सारी जानकारी हो गई है और अब मैं आपको 10 कलर दिखाती हूँ। 10 के 10 बेहद सुंदर कलर आए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला कलर। देखो कितना सुंदर कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है एकदम से। आप इसको डार्क पिस्ता कहिए, मूंगिया कलर कहिए, बहुत प्यारा है। और शेड नंबर है इसकी 41। जो कलर आपको वीडियो में दिख रहा है ना, जैसा बिल्कुल प्रॉपर कलर आएगा। और अगर आप जो है कलर का कैटलॉग देखना चाहते हो तो इसी नंबर पे कैटलॉग बना हुआ है, वहाँ से आप ओपन करके भी देख सकते हो। शेड नंबर 41 है। अगर आप ये कलर लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो शेड नंबर मैंने 41 यानी 41 बताया है उसे नोट कर लीजिए। कितने गोले आपको लेने हैं? एक बोल में 100 ग्राम ऊन है, एक बोल 110 रुपये के है, यानी 1100 रुपये के 10 बोल आएंगे। आपको जितने लेने हो उतने ले लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कीजिए, एक इसका है 41 यानी 41, ठीक है जी। एक नंबर तो एक कलर तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा कलर दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप जेंट्स के लिए कोई लाइट सा कलर ऐसा ढूंढ रहे हो, भाई प्यारा सा कलर हमें मिले, तो ये है लाइट ग्रे यानी सिल्वर ग्रे कलर है। ये जैसा कलर दिख रहा है प्रॉपर कलर आपको मिलेगा, सिल्वर ग्रे कलर है। जेंट्स स्वेटर, लेडीज में किसी के लिए भी कोई प्रोजेक्ट बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा, बहुत प्यारा। तो ये है आपकी, शेड नंबर है इसकी 9, शेड नंबर 9 यानी 9, शेड नंबर 9 यानी 9, सिल्वर ग्रे कलर शेड नंबर 9। तो दो कलर हो गए। अब मैं आपको तीसरा कलर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आए हैं, ये देखो कितना प्यारा कलर है। डार्क स्किन कलर है, डार्क स्किन कह लीजिए या बिस्कुट कह लीजिए, बिस्कुट कलर भी कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा और डार्क हो जाता है, बट ये डार्क स्किन कलर है। और शेड नंबर है 77। जो कलर जैसा दिख रहा है वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। डार्क स्किन कलर है और शेड नंबर है 77, शेड नंबर 77 यानी 77, ठीक है जी। ये हो गए 3 कलर। अब मैं आपको चौथा कलर दिखाती हूँ इसका। देखिए बहुत प्यारा सा गाजरी कलर है, शेड नंबर 11
ये देख लीजिए गाजरी सा कलर, पिंक पिंक गाजरी जो होता है ना वो है ये पिंक गाजरी कलर, और शेड नंबर 11 पिंक गाजरी शेड नंबर 11। और ऊन की क्वालिटी की मैं बात करूं तो एकदम बेस्ट क्वालिटी है, ऊन पे रुआ नहीं आएगा, आपका प्रोजेक्ट धुलने के बाद श्रिंक नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन है, एकदम सॉफ्ट बेबी न्यू बॉर्न बच्चे जो होते हैं वहाँ से लेकर और बड़े बुजुर्गों तक आप कुछ भी बनाइए सभी के लिए उपयोगी है, क्रोशिए से बनाइए या सिलाइयों से बनाइए दोनों तरह से बन जाएगा। तो ये है शेड नंबर 11 पिंक गाजरी कलर। तो ये हो गए हैं आपके 4 कलर, अब मैं आपको 5वां कलर दिखाती हूँ, देखिए शेड नंबर 46। इसकी शेड सही नहीं आ रही भाई, ये जो है अलग है, इसकी ये कलर है तांबर कलर, बट इसमें दिख रहा है रेड कलर, रेड नहीं है ये तांबा कलर है। इसकी जो है मैं पिक बनाऊंगी और कैटालोज में है वहाँ से, या फिर मैं इसकी जो है आप व्हाट्सएप पे आओगे तो प्रॉपर पिंक आपको इस कलर की दे दूंगी। आप इसकी शेड नंबर नोट कर लीजिए 46 इसकी शेड नंबर है, ये तांबा कलर है, बट यहाँ पर ये रेड रेड सा दिख रहा है, रेड नहीं है ये तांबा कलर है और शेड नंबर है 46। तो ये हो गया, अगर आपको ये लेना हो ना तो फिर इसका 46 नंबर लिख के और इसकी फ़ोटो भेज देना, फिर मैं आपको ओरिजिनल पिक इसकी दे दूंगी, ठीक है। अब देखिए अगला कलर है बेबी पिंक कलर, ये है प्रॉपर कलर, यही कलर है इसका बेबी पिंक, ये देखो ये है बेबी पिंक कलर और शेड नंबर है 39। छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर कलर है, बहुत प्यारा लगता है, बेबी पिंक कलर है शेड नंबर 39 यानी 39, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ दिखा दिए हैं कलर आपके, और अब नेक्स्ट कलर आप देखिएगा, अगला कलर भी बहुत सुंदर है, देखो ये कलर नया आया है, पिछली साल नहीं था, जैसा कलर आप देख पा रहे हो वैसा ही है ये, और शेड नंबर है 16। इतना सुंदर है, जेंट्स लेडीज के लिए बहुत प्यारा, एकदम अलग और हटके कलर है, ये देख लीजिएगा बहुत सुंदर कलर है, आप कलर का जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, शेड नंबर 16 है, बहुत प्यारा लगेगा, जेंट्स लेडीज दोनों के लिए बहुत सुंदर है, बच्चों के लिए बनाइए किसी के लिए बनाइए, कलर आप देख सकते हो बहुत प्यारा है और शेड नंबर है इसकी 16, शेड नंबर 16। अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तो ये हो गया, अब मैं आपको अगला कलर दिखाती हूँ, देखिए बहुत सुंदर सा ये है शेड नंबर 63, ये देखो ये आपका है जैसे फालसा सा कलर होता है ना, अब यहाँ से जो कलर की लुक आ रही है ना ये शेड है इसकी, क्योंकि पास में करती हूँ थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ से मैंने जो कलर आपको किया है ये कलर है, रानी कह लीजिए इसको, रानी कलर भी ऐसा ही होता है। तो ये वाला कलर है शेड नंबर 63 है, ये देखिए शेड नंबर 63 रानी कलर, शेड नंबर 63 रानी कलर, ठीक है जी। ये हो गए हैं कलर आपके, अभी मैंने 8 कलर आपको दिखा दिए, अभी एक कलर और दिखाती हूँ, जेंट्स लेडीज दोनों के लिए बहुत ही सुंदर सा कलर है, शेड नंबर 78, देखिए बहुत सुंदर कलर है, आप कलर देख सकते हो गोल्डन कलर है ये, बहुत प्यारा लगेगा, जेंट्स लेडीज बेबीज किसी के लिए भी बनाइए, एकदम हटके लुक आएगी आपके प्रोजेक्ट की, बहुत प्यारा, बहुत सारे कलर आपने बुने होंगे इस टाइप के कलर आप बुन के देखिए, बहुत अच्छी लुक आएगी, और शेड नंबर है इसकी 78 यानी 78, शेड नंबर 78 78 नंबर, अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अब हमको अगला कलर दिखाती हूँ, देखिए बहुत प्यारा सा है, ये देखिए सी ग्रीन कलर है, देखो सी ग्रीन कलर है, जैसा देख रहे हो प्रॉपर कलर आएगा और शेड नंबर है 69, ये देखिए शेड नंबर 69। अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी शेड नंबर है 69, ये आप नोट कर लीजिए, छोटे बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, गर्ल्स बॉयज किसी के लिए बनाइए, कलर सभी के लिए परफेक्ट है, बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको ये कलर पसंद आता है तो देख लीजिए, आपको जितनी ऊन लेनी हो उतनी लिख के शेड नंबर 69 लिख के और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर से मैंने आपको 10 कलर दिखाए हैं, आपको जो जो कलर पसंद आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए,
और अगर आपको आज का ये कलर कलेक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।